बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैबंद बांधते थे, चादर ओढ़ते थे, कुर्ता मामा पहनते थे और टोपी भी ज़ेब सर फरमाते थे। ये कपड़े अक्सर और बेशतर मामूली सूती किस्म के होते थे। कभी कभार दूसरे मुल्कों और दूसरे इलाकों के बने हुए ऐसे बढ़िया कपड़े भी पहन लेते थे जिन पर रेशमी हाशिया या नक्शो नगार बने होते थे। अबू बरदा से रिवायत है, उन्होंने बयान किया, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमको निकाल कर दिखाई एक दबीड़ दोहरी चादर और एक मोटे कपड़े का तैबंद और हमें बताया कि इन्हीं दोनों कपड़ों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, यानी आखिरी वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मे अतहर पर यही दो कपड़े थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में ज़्यादा कुर्ता पसंद था। जामे तिर्मिज़ी सनन अबी दाऊद। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में चादर का पहनना बहुत पसंद था। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत मग़ीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा रूमी जब्बा पहना जिसकी आस्तीनें बहुत तंग थीं। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने तेलस्लान का बना हुआ एक कसरवानी जब्बा निकाल कर दिखाया। इसका ग्रेबान रेशमी दीबाज से बना हुआ था और इसके चारों कोनों पर यानी चाकों के किनारों पर दीबाज लगा हुआ था, यानी ग्रेबान और जब्बे के आगे पीछे चाकों पर दीबाज का हाशिया था। और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा है, ये मेरी बहन आयशा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन के पास था, जब उनका इंतकाल हो गया तो मैंने ले लिया, यानी मीरास के हिसाब से मुझे मिल गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़ेब-ए-तन फरमाते थे और हम अब इसको मरीज़ों के लिए धोते हैं और उसके ज़रिए शिफा हासिल करते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम। इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह रूमी जब्बा इस्तेमाल फरमाया जिसका ज़िक्र ऊपर वाली हदीस में गुजर चुका है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरवानी जब्बा भी इस्तेमाल किया जिसकी नस्बत किसी वजह से शाह फारस कसरा की तरफ की जाती है और ये कि इसके ग्रेबान और चाकों पर दीबाज का हाशिया भी था जिसका उस ज़माने में रिवाज था। यहाँ ये बात काबिल लिहाज है कि दूसरी बात अहादीस में तशरीह है कि रेशम का हाशिया दो चार उंगल का तो मर्दों के लिए जायज़ है, इससे ज़्यादा जायज़ नहीं। इसलिए यकीन है कि इस कसरवानी जब्बे का हाशिया इस हद के अंदर होगा। दूसरी बात, इस हदीस से ये मालूम होती है कि सहाबा कराम के ही दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाली कपड़ों से ये बरकत भी हासिल की जाती थी कि उनका गुसलाना दोवन का पानी शफायाबी की उम्मीद पर मरीज़ों को पिलाया जाता और छिड़का जाता था। हज़रत उमर बिन हरीस रज़ी अल्लाह अन्हों से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर खुतबा देते हुए देखा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्या रंग का अमामा ज़ेब सर फरमाए हुए थे और इसका किनारा शिमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुश्त पर दोनों मोंडों के दरमियान लटका रखा था। सही मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हों से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद टोपी भी ज़ेब सर फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि जब खवारिज का ज़हूर हुआ तो मैंने हज़रत अली के पास आया, उन्होंने मुझसे फरमाया कि तुम उन लोगों के यानी गुरोए खवारिज के पास जाओ और उनको समझाने और उन पर हुज्जत कायम करने की कोशिश करो। इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने हुसैन हसीन और नफीस किस्म का एक यमनी जोड़ा पहना। वाक़े के रावी अबू ज़र मेल कहते हैं कि इब्ने अब्बास ख़ुद बहुत हसीन और जमील थे और आवाज़ भी ज़ोरदार थी। आगे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जब मैं खवारिज की जमात के पास पहुंचा तो उन्होंने मरहबा कहकर मेरा इस्तकबाल किया और साथ ही तंज़ व एतराज़ के साथ कहा कि ये बढ़िया जोड़ा
जो आपने पहना हुआ है क्या है? मतलब ये है कि ये बढ़िया किस्म का हसीन व जमील लिबास असवाए नबवी और मकाम तकवा के खिलाफ है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने कहा, तुम मेरे इस अच्छे लिबास पर क्या एतराज़ करते हो? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसीन से हसीन जोड़ा पहने देखा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के इस बयान से मालूम हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी अच्छा नफीस लिबास भी इस्तेमाल फरमाया है। इसलिए उन खवारिज का ये समझना कि अच्छा और उमदा लिबास पहनने का तरीका नबवी या मकाम तकवा के ख़िलाफ़ है, इनकी जहालत थी। हाँ, अगर पहनने वाले का मकसद तफाखुर व इस्तकबार और अपनी बड़ाई की नुमाइश हो, तो जैसा कि हदीस से मालूम हो चुका है, सख्त दर्जे की मासियत और मूजिब गज़ब खुदाबंदी है। लेकिन अगर इजहार नहमत की नीयत से या किसी दूसरी दीनी मसलियत से पहना जाए तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि बायस अज्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहनना इजहार नहमत के लिए भी था और लाने वालों की तदबीब खातिर के लिए भी और बयान जवाज़ के लिए भी था। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अच्छे से अच्छा लिबास पहनना इस नियत से कि आपको अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, जायज़ है। लेकिन अगर वो अच्छे से अच्छा लिबास आप इस नियत से पहनते हैं कि लोग आपकी अमीरी, आपके पैसे के रोब, आपके दबदबे से मुतासिर हो जाएं, तो वो सरासर गुनाह के ज़मरे में आता है। अपने पहनने ओढ़ने को सुन्नत नबी के मुताबिक कीजिए ताकि आपकी और मेरी इस्लाह हो सके। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।